ये 5 साल में जो नौजवानों ने हमारा काम देखा है और ये नौजवानों को हम लोगों ने मदद किया है, आम जनता को भी हमने कहीं नहीं छोड़ा है, एक एक चीज़ पर हमने ध्यान दिया है और एक जिम्मेवार एक आम नागरिक होने के नाते जो जिम्मेवारी हमको मिला, अपने समय से हमने पूर्ण ईमानदारी से इस चीज को निभाया है और ये शहर के सम्मानित जनता से एक बार हम निवेदन करेंगे। नौजवान हो अभी जा रहे, देखिए अभी चलिए, बोलिए सब लोग चाहता है सब तिवारी जीत जाए, ये तो जन सैलाब उमड़ चुका है, आप लोग जो आए हैं बहुत ज्यादा है ना, हम लोग कंटेक्ट वही है, सब काम करते हैं, बहुत अच्छा है, अच्छी है, मान सम्मान करती है, आज चुनाव जीत गए, ये तो लगभग 2000 तक की मिली है। जामिया वर्ल्ड, इंसाफ की आवाज। करियांगंज से नगर परिषद का चुनाव होने जा रहा है, इसी बीच यहाँ मौजूदा सभापति यहाँ शाम तिवारी सर है जो भाषण के लिए जा रहे हैं, उनके बीच नौजवान है, इतना जोश देखने को मिल रहा है, नौजवान पूरा आपके साथ लगा हुआ है, पूरा क्या कहेंगे? देखिए ये 5 साल में जो नौजवानों ने हमारा काम देखा है और ये नौजवानों को हम लोगों ने मदद किया है, आम जनता को भी हमने कहीं नहीं छोड़ा है, एक एक चीज पर हमने ध्यान दिया है और एक जिम्मेवार एक आम नागरिक होने के नाते जो जिम्मेवारी हमको मिला, अपने समय से हमने पूर्ण ईमानदारी से इस चीज को निभाया है और ये शहर के सम्मानित जनता से एक बार हम निवेदन करेंगे। आपका तो पीछे तो इतना मतलब कि एक तरह से भीड़ दिख रहा है, लगता है कि वो एक ओवर ब्रिज वहाँ तक है, इतना जन सैलाब, आपके एक तरह से दुआ और आशीर्वाद मिलता है, तो क्या आपको लग रहा है कि जीतने जा रहे हैं? महिला है तो आप लोग चाह रहे हैं कि आप जो भी मुद्दा है यहाँ पर वो हल होना चाहिए, काम करते हैं हम लोग, कंटेक्ट वही है, सब काम करते हैं, बहुत अच्छा है, अच्छी है, मान सम्मान करती है, आज चुनाव जीत गए, ये तो लगभग 2000 तक की मिली है। जैसा हो जीतने जीतने।
भी हैं। आप समझ सकते हैं राजस्थान की नकड़ियागंज में नगर परिषद चुनाव होने जा रहा है। इसी बीच सभापति उम्मीदवार और मौजूदा सभापति यहाँ पर राधेश्याम तिवारी सर हैं। जन सैलाब उनके तरह से नॉमिनेशन में उमड़ा है। खास तौर पर महिलाएं और नौजवान बुजुर्ग तमाम के तमाम दादी भी अपने आज बनी कैरक जी दावतनी राधेश्याम तिवारी के आज उनके आशीर्वाद देनी हो। अभी एक तरह से नौजवान हो आप ही चाह रहे हैं देखिए अभी चलिए बोलिए सब लोग चाहता राजस्थान तिवारी जीत ये तो जन सैलाब उमड़ चुका है। आप लोग जो आए हैं बहुत ज्यादा है ना कभी चाहता नहीं राजस्थान चलते रहे बड़ा जबरदस्त भीड़ लगे आए मनिया इधर आओ आप पढ़ती है ना तो आप भी चाहती हैं एक तरह से युवा हैं आप भी तो चाहती हैं कि वो जीते हैं क्या जी बहुत अच्छी काम करते अपने कामों की वजह से इतनी उनकी भीड़ लगी हुई है उनके समर्थन में लोग इतने जुट हुए हैं ओके फिर से चाहते हैं कि चेयरमैन बने ओके थैंक यू सो मच। बड़ी तादाद में यहाँ पर महिलाएं और जन सैलाब उमड़ा हुआ है। मैं सीधे तस्वीरें दिखा रहा हूँ लगातार और ये चीजें आपको देखने को मिलेगी कि नॉमिनेशन में कितना एक तरह से आइए इधर आप क्या कहेंगे यहीं रुके क्योंकि उधर क्या कहेंगे जन सैलाब उमड़ चुका है और मैं बजाते देख रहा हूँ तमाम नॉमिनेशन हो रही है सबसे ज्यादा भीड़ इसी में क्या कहेंगे जी इतना भीड़ नगड़िया इनके किसी भी प्रत्याशी के पास हजारों में लोग हैं जी 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 कम से कम 7-10 हजार लोग क्यों इतना लग रहा है क्या उनका मतलब काम का है क्या उन्हें लोग प्यार करते हैं इनका काम और व्यक्तित्व दोनों ही सराहनीय है। हाँ सही बात है हाँ। तो भीड़ आना स्वाभाविक यहाँ दिन रात सफाई दिन रात काम दिन रात और दिन बराबर काम हो रहा है नगर ओके अभी नौजवान राजस्थान तिवारी इनके अलावा दूसरा कोई चेयरमैन बन ही नहीं सकता है इनके जैसा अब 5-10-20 साल तक जब तक रहेंगे तब तक इन्हीं को बनाना है और यही बनेंगे। क्या लगता है कि आपके लिए तमाम जनता के लिए खूब काम करते हैं या क्या नहीं इनका जो काम है जो बहुत काम करते हैं अच्छा से काम करते हैं गरीबों के काम करते हैं नौजवानों के साथ रहते हैं हर किसी व्यक्ति के साथ हम लोग उनको चाहते हैं वो हमारे कंटिन्यू ओके बहुत बहुत शुक्रिया। तो नौजवान और सपोर्ट इन्हें मिल रहा है काफी जबरदस्त जन सैलाब इनके पीछे उमड़ी हुई है। बहरहाल जामिया वर्ल्ड देखते रहे साथ पब्लिक न्यूज मैं मोहम्मद तस्लीम बिहार के वेस्ट चंपारण नकड़ियागंज अनुमंडल से।